हमने 15 तारीख को एक सरकार को नोटिस किया, अल्टीमेटम दिया था कि जिन जलवाहकों के 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, सरकार ने हमारे लिए पॉलिसी बनाई हुई है कि उनको 31 मार्च और 30 सितंबर को नियमित किया जाता है, तो हम सभी जलवाहकों के 11 साल मार्च महीने में कंप्लीट हो चुके हैं और 4 महीने देने के बावजूद भी सरकार ने आज तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं की है, जबकि सरकार जानती है कि हमारे बीच ज़्यादातर बंदे विडोज हैंडीकैप्ड हैं और विडोज हैं जिनको कि गाड़ी में आना भी अति मुश्किल हो जाता है। अभी भी 2-4 बंदे हमारे आए हैं जिनके साथ कोई आदमी लेके आना पड़ता है, वो गाड़ी में चढ़ नहीं सकते हैं, उतर नहीं सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सरकार ने 20 तारीख से हम धरने पे बैठे हैं सर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस के पास, तो आज तक शासन और प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे सुध लेने वहाँ पर नहीं आया है। बरसात का मौसम है, सांप बिच्छू का डर है, रात को बारी बारी से उठ के हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसके बावजूद भी कोई हमारी सुध लेने नहीं आया और ना ही हमारी आवाज़ को किसी ने सुना है। तो अंततः हमने परसों चौथ बोला था कि हम डीसी महोदय जी से मिलेंगे, अगर 25 तारीख तक सरकार हमारे बारे में कोई ठोस निर्णय ले लेती है और हमारी पॉलिसी नोटिफिकेशन कर देती है तो फिर भी हम अपना धरना प्रदर्शन बंद करके अपने घरों को चले जाएंगे। शांतिपूर्वक ढंग से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर नहीं करती है तो 26 तारीख से हम अमर अनशन पर जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। और जब हम अमर अनशन पर बैठ जाएंगे, आज तक जो अधिकारी या कर्मचारी हमारी शुद्ध लेने नहीं आए हैं तो उसके बाद भी हमें भगवान के भरोसे वहाँ पर छोड़ दें, कोई भी हमारी शुद्ध लेने ना आए तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास ये नोटिफिकेशन है सरकार की पॉलिसी को, जो 11 साल की पॉलिसी बनी हुई है, अगर हम गलत मांग कर रहे हैं सरकार से तो आप हमें बोल सकते हैं कि भाई आप गलत हैं, तो हम फिर भी उठ जाएंगे, मगर जब हमारा राइट है 31 मार्च को हमें सरकार रेगुलर करती है तो 4 महीने हमने सरकार को सोचने का समय दे दिया, तो सरकार ने अभी तक हमारी नोटिफिकेशन ही क्यों नहीं किया है। कुल कितने कर्मचारी हैं प्रदेश भर में? प्रदेश भर में तो 700-750 के आसपास होगा जो 31 मार्च को 11 साल कंप्लीट कर चुका है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।